एक तो बात खबर सिलसिला एक बार फिर तो जारी है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जबरदस्त हंगामा हुआ है। पुलिस ने धरने से बैठे कई विद्यार्थियों को जबरी चुकिया। दस दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है, जिथे कि पुलिस ने इतने धरने से जो विद्यार्थी बैठे हुए सन उन्होंने जबरी चुकिया। जो तस्वीर तुम देख रहे हो किस तरह के नाल इन्हों जबरी इतों हटाया गया पुलिस वालों। विद्यार्थियों ने वीसी प्रोफेसर राजकुमार से तानाशाही के इल्जाम लाए ने, जिसनों लैके ही धरना दिता जा रहा है। गर्ल्स होस्टल नंबर 4 की वार्डन खिलाफ एक्शन न होने धरना जारी है, लेकिन इतने पुलिस की तशद्दद नजर आई है। पुलिस वालों इतने किस्तरू की गई है, इन विद्यार्थियों को इतों जबरी चुकया गया, हटाया गया, जिस तरह इतने धरना दिता जा रहा है। पुलिस से धरने से बैठे कई विद्यार्थियों इतने जबरी चुकया, जिस माहौल इतने खासा तनावपूर्ण बनता नजर आया। विद्यार्थियों ने वीसी प्रोफेसर राजकुमार से तानाशाही के इल्जाम लगाए। गर्ल्स होस्टल नंबर 4 की वार्डन खिलाफ एक्शन ना होने धरना जारी है। रमन साढ़े नाल जुड़ चुके ने। रमन, तस्वीर असीं वेख पा रहे हैं कि शांतमई ढंग नाल इत्थे धरना इन्हां विद्यार्थियों वालों दिता जा रहा है, लेकिन पुलिस जबरी इन्हां नूं हटाउण च लगी रही। की कुछ मामला और की इस वेले दी स्थिति है? बिल्कुल आदा, क्योंकि पिछले कई दिनों तो विद्यार्थी जिहड़े हैगे ने होस्टल नंबर 4 गर्ल्स होस्टल नंबर 4 दी जो वार्डन हैगे उसके खिलाफ मोर्चा खोलिया। उस इल्जाम ने कि उन्हें विद्यार्थियों के नाल सही ढंग के नाल वतीरा नहीं किया, तो उस तो नाराज चल रहे, उसनों हटाने की मांग कर रहे हैं। दूसरे पासे कई बार वीसी मिलकर ही मांग पत्र दिता जा चुका, पर वीसी वालों हाले तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसनों लैके कल विद्यार्थी जथेबंदियों वालों देर शाम प्रोटेस्ट किया गया। NSUI के कुछ जिहड़े विद्यार्थी ने जथेबंदी संबंध उन्होंने जिहड़ा स्टूडेंट सेंटर उत्थे जिहड़ा रास्ता रोक लिया सी, तां जो दबाव बनाया जा सके वीसी ते। तां इस तों बाद पुलिस वालों तस्वीरों में तुम देख सकते हो कि पुलिस वालों विद्यार्थियों की दिखा धूबी की जा रही है, और हुण जानकारी मिली है कि इन विद्यार्थियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। तो कैंपस का जो माहौल हैगा वीसी की नादरशाही करके जो विद्यार्थी आगू इल्जाम लगा रहे काफी खराब हो चुके, और अज भी जो है तमाम विद्यार्थी जथेबंदियां ABBP तो छुट जिन्हें दूसरिया जथेबंदियां ने वो वीसी के खिलाफ प्रदर्शन कर जा रही ने। बिल्कुल, और अजय विचकार क्योंकि माहौल इतने खासा तनावपूर्ण बनता भी नजर आया, और कितना कितने जी कार्रवाई हुई है और भी रोस पैदा कर रही होगी विद्यार्थियों। बिल्कुल, क्योंकि पिछले 16 दिन तो विद्यार्थियों ने जो होस्टल नंबर 4 के बाहर धरने से बैठे ने, और जी वार्डन हैगी है शहरावत मैडम उसनों हटाने की मांग कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो इसको लैके जो वीसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, कल वड्डा प्रोटेस्ट किया गया, जिस बाद पुलिस वालों एक्शन लिया गया था, और पुलिस वालों अजिहा एक्शन यूनिवर्सिटी कैंपस के इस तो पहले कदे अजिहा नहीं देखा गया कि शांतमई तरीके बैठे विद्यार्थी इस तरीके कह धू की गई हो। विद्यार्थियों के पुलिस की कार्रवाई लैके नाराज है। दूसरे पासे वीसी इस मामले से हल तक कुछ नहीं बोल रहे कि कैंपस के पुलिस को आने की इजाजत किसने दी। तो आने समय के अज जोड़ा वड्डा प्रदर्शन जोड़ा है वह हो सकता है, और विद्यार्थी आगू जोड़े वीसी का घराओ कर। बिल्कुल, और यकीनन अजिही स्थिति विस्फोटक ना बने होर तनाव ना होवे, क्या पुलिस फोर्स भी जिहड़ी वाधू इत्थे तैनात की गई है? क्या जिहड़े विद्यार्थी आगू ने उन्हां ते केस रजिस्टर देर शाम कर दिता गया है, और हुण विद्यार्थी आगू केस रजिस्टर दे खिलाफ और वीसी दे वल्लों जो जिहड़ा विद्यार्थियां आगूआं दे नाल सही सलूक नहीं किया जा रहा, क्योंकि लंबे समय तो प्रोटेस्ट होंदे रहे, कदे फीसां नूं लैके, कदे हॉस्टल की प्रॉब्लम लैके, कदे कैंपस दे विच चोणां नूं लैके, जिहड़ियां डेट नूं लैके अक्सर जिहड़े प्रोटेस्ट असीं वेखे ने। पर इस तरीके का जिहड़ा हैगा पुलिस की नादरशाही पहली बार वेखण नूं मिल रही है कि यूनिवर्सिटी कैंपस दे विच विद्यार्थियों नूं धू धू के पुलिस लैके जा रही है, और उन्हां दे नाल शरेआम जिहड़ा हैगा गुंडागर्दी वाला व्यवहार किया जा रहा है। इस नूं लैके विद्यार्थी आगूआं दे विच नाराज है, और पहली बार कि तमाम जथेबंदियां जिहड़ियां ने विद्यार्थी जथेबंदियां वह एक मंच से इकट्ठा होईआं ने सिर्फ ABBP तो बिना। तो अज वड्डा प्रदर्शन जिहड़ा हैगा वीसी दी नादरशाही, और दूसरे पासे पुलिस की जिहड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ वेखण नूं मिलेगा। सो इस तरह की कोई हुण पहल हो रही है कि आपसी हुण कोई गलबात होवे, किसी तरह विद्यार्थियों की जिहड़ी मंग है उसनूं सुनिया जाए, और क्योंकि जे प्रदर्शन होएगा तो यकीनन ये फिर बड़ा वड्डा प्रदर्शन होने की संभावना बनती नजर आ रही है?
राधा अक्सर जो यूनीवर्सिटी के अजिंह कोई गतिविधियां होंदिया ने तो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ा हैगा पहल करदा विद्यार्थियों आगुआ सद्दा दिता जाता चाह ते तां जो मिल बैठ के किसी मुद्दे के हल तक पहुंचा जाए पर हाले तक विद्यार्थी आगुआ एडमिनिस्ट्रेशन वालों कोई भी जिहड़ा हैगा जिहड़ा सुनेहा नहीं मिलिया तो इस लैके विद्यार्थी आगुआ दे विच होर भी निराश है कि एक पासे तां एक्शन नहीं लिया जा रहा दूसरे पासे जे विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस के जरिए उन्हां दी आवाज दबाउण की कोशिश की जाती है तो अज विद्यार्थी आगू वीसी के खिलाफ वड्डी रणनीति उलीक सकते हैं तो अज भी जिहड़ा हैगा दिन भर प्रदर्शन जिहड़ा यूनीवर्सिटी विच वेखण नूं मिल सकदे ने। जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया रमन फिलहाल दी इस सारी जानकारी लई। सो जिस तरह नाल इत्थे हालात बने ने यकीनन इस नूं लैके किते ना किते एडमिनिस्ट्रेशन नूं जिहड़ा डिपार्टमेंट नूं पहल दे आधार ते देखना चाहिए किस तरह दे नाल ए मामला होर ज्यादा ना गरमाए क्योंकि विद्यार्थियों च बेहद रोस है जो इतने शांतमई धरना दे रहे सन लेकिन पुलिस वालों जबरदस्ती इतों की इन्हों चुकया गया ते तमाम जिहड़ी विद्यार्थी जथेबंदियां ने तकरीबन सारिया ही जथेबंदियां एक मंच ते इकट्ठिया हो रही ने इस मसले नूं लैके ते हुण वीसी दे खिलाफ ते पुलिस दी खिलाफ जो कार्रवाई रही है उसके खिलाफ प्रदर्शन करनगे। सारिया गई तो नहीं करी है रुकर दें अगे तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का वड्डा बयान सामने आया उन्होंने कहा कि BBMB दे विच सिर्फ पंजाब का ही हिस्सा नहीं है सो इस बाबत उन्होंने होर की कुछ कहा इस बारे में तुम दसांगे छोटी ब्रेक ले रुक लेने हैं।